इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर हटाने के दौरान हुए विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए। इंदौर महापौर मालिनी गौड़ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस मामले में महापौर ने FIR दर्ज करवाने की बात भी कही है। बता दें आपको कि स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के जन्मदिन पर उनके इंदौर स्थित सरकारी आवास को बधाइयों के होर्डिंग्स और बैनर से पाट दिया गया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम बैनर हटाने पहुंची थी। तभी मंत्री के समर्थकों और निगम कर्मियों में विवाद हो गया था। सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग्स को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निर्देश दिए हैं कि यदि उनका खुद का पोस्टर भी हो तो भी हटा दिया जाए। मैं सभी लोगों से, चाहे मेरे समर्थक हो सभी के, कि इंदौर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा त्याग करें। होर्डिंग से कोई अच्छा लगता नहीं, होर्डिंग से और इंदौर की सुंदरता पे खराब लगता है। कांग्रेस हो या BJP हो, सभी से निवेदन है इस शहर को बदरंग ना बनाएं। और जिस प्रकार स्वच्छता में हमने इतनी मेहनत की है, उस पे एक धब्बा ना लगाएं और होर्डिंग बैनर ना लगाएं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे आप जितना चाहे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज नगर निगम द्वारा FIR दर्ज हो रही है।